हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया इंट्रोडक्टरी सेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों इस सेशन का नाम है नदी परियोजनाएं एवं बांध। ठीक है, तो दोस्तों इससे संबंधित जितनी भी थ्योरी होगी मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दोस्तों, नदी परियोजनाएं होती क्या है, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए, जब नदी बहकर के आती है और समुद्र तक वो जाती है, यहां तक आप ऐसा मानिए कि यहां तक जमीन है और यहां पर सागर है, या बंगाल की खाड़ी कह लीजिए। तो अगर रास्ते में हमने नदी के पानी के बहाव को कुछ दूरी तक रोक लिया और फिर से नियंत्रित करके हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो यही हो जाती है नदी परियोजना। दोस्तों इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं, एक एक करके उन लाभों को हम देखेंगे। देखिए, इसमें से पहला जो लाभ है वह यह है कि दोस्तों सिंचाई का प्रबंध हो जाता है, इससे सिंचाई का प्रबंध हो जाता है। बहुत सारा पानी जो समुद्र में बह करके वेस्ट हो रहा था वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, एक रिजर्वायर के रूप में, एक बड़ी जल राशि के रूप में उसे इकट्ठा कर लिया जाता है और इसे हम अलग अलग स्थानों पर सिंचाई के लिए उपयोग में लाते हैं। दोस्तों इससे जल विद्युत का भी उत्पादन होता है। बांध काफी ऊंचे होते हैं और बांध जब हम लगातार पानी उसमें जमा करते जाते हैं तो पानी के अंदर दोस्तों एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके उससे हम ऊर्जा बना सकते हैं, उससे हम बिजली बना सकते हैं। ये एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा होती या अक्षय ऊर्जा होती। दोस्तों अगला जो लाभ है वह यह है कि इससे बाढ़ का नियंत्रण होता है। दोस्तों सपोज यहाँ पर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, जैसे कोसी नदी का क्षेत्र है, वहां बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, यहाँ अगर बांध बना लिया जाए तो यहाँ पानी को रोक करके नियंत्रित किया जाएगा और क्षेत्रों में बाढ़ कम आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला जो इससे लाभ है वह यह है कि पर्यावरण की भी रक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला है अंतः स्थानीय नौवाहन का विकास। दोस्तों देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रोड बनाने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इस तरह से नदी परियोजनाएं बना करके एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हम नदियों का सुगमता से इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं और इसमें खर्चा भी बहुत कम आता है। ठीक है दोस्तों, मत्स्य पालन। दोस्तों देखिए, जब पानी को रोका जाएगा तो वहां पे मत्स्य पालन की भी बहुत ज्यादा संभावनाएं बनेंगी, तो इससे आप इस चीज को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, देश में भिन्न भिन्न तरह की नदी परियोजनाएं हैं और बहुत सारी हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाओं के बारे में ही पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए दोस्तों, पहली जो परियोजना है वह है दामोदर घाटी नदी परियोजना। दामोदर घाटी नदी परियोजना दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम यह बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब कि स्वतंत्र भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब हो सकता है इसका सिंचाई के लिए भी उपयोग किया जाएगा, इससे बिजली भी बनाई जाएगी, मत्स्य पालन भी किया जाएगा, तरह तरह की चीजें इससे जुड़ी हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की यह पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। इस परियोजना को अमेरिका की टेनेसी योजना के मॉडल के आधार पर, टेनेसी दोस्तों अमेरिका में बहने वाली एक नदी है, उसी नदी पर कोई बांध बना हुआ है और वहां पर जो परियोजना थी उसी परियोजना को कॉपी करके इस परियोजना को बनाया गया है। ठीक है, मॉडल के आधार पर बनाया गया था। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों दामोदर नदी के वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी एक समय पहले, परंतु यह बाढ़ काफी इस समय कम हो गई है और बाढ़ को नियंत्रित कर लिया गया है इसी बांध की वजह से। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दोस्तों भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भूकंपीय क्षेत्र में स्थित यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसकी सहायक इंदिरा गांधी परियोजना के तहत राजस्थान तक इंदिरा नहर का विकास किया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी होगी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? तो वह है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, या भारत की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, नदी परियोजना कौन सी है? तो वो भाखड़ा नांगल नदी परियोजना है। दोस्तों आप देखिए कि ये भारत है और ये कश्मीर वाला क्षेत्र है। दोस्तों यहां मानसरोवर से दो नदियां निकलती हैं, एक आती है सिंध और एक आती है यहां से सतलज। दोस्तों सतलज पंजाब से होकर बहती है और यहां पर चेनाब एक नदी है जो आगे जाकर के सिंध में मिलती है, जो कि सिंध की सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। दोस्तों ये भी चेनाब में ही जाकर के मिल जाती है आगे।
तो सतलज पर ही इस बांध का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गिरना परियोजना। गिरना परियोजना दोस्तों एक छोटी नदी परियोजना है। यह गिरना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों अगली परियोजना है पनामा परियोजना। पनामा नदी गुजरात में यह स्थित है। दोस्तों पनामा से आप कंफ्यूज मत होइएगा, पनामा नाम का एक देश भी है। और यह देश दोस्तों कहां पर स्थित है, तो यह देश स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला जो मतलब भूभाग है उसी पर पनामा नामक देश स्थित है। और पनामा कैनाल भी या पनामा नहर भी वहीं पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगली जो परियोजना है वह है कांग साबती परियोजना। कांग साबती नदी पश्चिम बंगाल पर यह परियोजना स्थित है। दोस्तों अगली जो परियोजना है वह है घाट प्रभा परियोजना व हिडकल परियोजना। घाट प्रभा व हिडकल, तो इसको याद कर लीजिए, घाट प्रभा व हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर ही स्थित है। और यह दोस्तों कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक अगर कोई है हमारे देश में या फलों का सबसे बड़ा उत्पादक कोई राज्य है तो वह भी कर्नाटक ही है। ठीक है दोस्तों, अगली जो परियोजना वह है राम गंगा परियोजना। राम गंगा परियोजना दोस्तों, राम गंगा नदी जो है वो आपके लखीमपुर खीरी वाले क्षेत्र से बह करके आती है। राम गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यह परियोजना स्थित है। तो यूपी टेट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला जो परियोजना है वह है कोयना परियोजना। कोयना परियोजना, कोयना परियोजना दोस्तों कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं और परियोजनाओं को देखते हैं। देखिए दोस्तों, कुंडा परियोजना या कुंडा नदी तमिलनाडु पर स्थित है। दोस्तों एक और बांध है वह मेट्टूर बांध है। मेट्टूर बांध है वह कहां पर स्थित है, वह भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। और तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों, चेन्नई। और तमिलनाडु राज्य दोस्तों अंगदान के मामले में सबसे आगे है, मछली के उत्पादन में भी सबसे आगे है। दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन। ठीक है दोस्तों, अगली जो परियोजना है वह है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना है दोस्तों, यह तुंगभद्रा नदी पर ही है और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की यह संयुक्त परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अगली जो परियोजना है वह है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना दोस्तों मयूराक्षी नदी पर है ये और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और अगली जो परियोजना है वह है गंडक परियोजना। आपको पता होगा दोस्तों गंडक नदी कहां पर बहती है, गंडक नदी बहती है बिहार में। तो दोस्तों यह परियोजना भी कहां पर स्थित होगी, बिहार व नेपाल की संयुक्त परियोजना है और बिहार व नेपाल की सीमा पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक दोस्तों किस नदी को माना जाता है, दोस्तों बिहार का शोक माना जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को शोक बिहार का क्यों माना जाता है, क्योंकि कोसी नदी लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है, कभी इस रास्ते से जाती है तो कभी अपना रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से चली जाती है। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं और विस्थापित भी उनको होना पड़ता है वहां से। तो दोस्तों बिहार का शोक माने जाने वाली कोसी नदी पर भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना कौन सी है दोस्तों, कोसी परियोजना स्थित है। कोसी परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगली जो परियोजना है वह है हीराकुंड। हीराकुंड बांध दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है वह देश का सबसे लंबा बांध है। सबसे लंबा बांध है, इसको आप याद कैसे रखेंगे कि देश का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो दोस्तों देश का सबसे लंबा बांध हीराकुंड है। और यह किस नदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। महानदी को आप देखिए, महानदी का मतलब है कि जो नदी बहुत महान हो या जो बहुत बड़ी हो। तो सबसे बड़ा बांध कहां पर स्थित होगा दोस्तों, महानदी पर स्थित होगा। महानदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है और उड़ीसा राज्य से होकर के समुद्र में गिर जाती है। और यह कौन से सागर में गिरती है, यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा व छत्तीसगढ़ की सीमा पर महानदी पर बना भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक है दोस्तों, अगला है परम्बिकुलम। परम्बिकुलम परियोजना केरल की 8 छोटी छोटी नदियों पर स्थित है। परम्बिकुलम परियोजना दोस्तों केरल की 8 छोटी छोटी नदियों पर स्थित है। अगली है शरावती परियोजना। दोस्तों यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों पूर्णा परियोजना, पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में पूर्णा परियोजना स्थित है। ठीक है दोस्तों, बारगी परियोजना। बारगी परियोजना दोस्तों यहां भी बारगी नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित नदियां हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं जो मैंने एक एक करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए दोस्तों हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध क्या है? यह सबसे बड़ा बांध, यह सबसे लंबा बांध है, ठीक है दोस्तों। यह महानदी पर स्थित है। महानदी कहाँ पे बहती है दोस्तों? उड़ीसा में बहती है, अमरकंटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है दोस्तों। नागार्जुन बांध, नागार्जुन बांध दोस्तों कहाँ पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है यह बांध, और आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। और यह जाकर के यह नदी भी कहाँ पे गिरती है? यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। फरक्का परियोजना, ये फरक्का होगा दोस्तों, फिर से लिख देता हूं, फरक्का, फरक्का परियोजना दोस्तों। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। गंगा और भागीरथी नदी पर स्थित है, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है दोस्तों, बंगाल में ही गंगा या भागीरथी नदी पर स्थित है पश्चिम बंगाल में दोस्तों। ककड़ापारा, ककड़ापारा परियोजना कहां पर स्थित है? यह गुजरात में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। ताप्ती नदी के बारे में आपको बता दूं कि ताप्ती नदी जो है पूर्व से पश्चिम बहने वाली एक नदी है, और दोस्तों यह मतलब खजुराहो और सतपुड़ा, सतपुड़ा की पहाड़ियों के जस्ट नीचे बहती है, ठीक है। और सतपुड़ा, ताप्ती और नर्मदा के बीच में जो पहाड़ियां हैं उसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियां, ठीक है दोस्तों। और यह नदी गिरती कहाँ पे है? तो यह नदी खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है या अरब सागर में जाकर के गिरती है, या एस्चुरी का निर्माण करती है या डेल्टा का निर्माण करके सागर में नहीं गिरती, ठीक है दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यह कहाँ के थे? यह गुजरात के थे, तो यह परियोजना भी कहाँ पर स्थित होगी? नर्मदा नदी पर स्थित होगी, और नर्मदा नदी किस रास्ते से जाकर के सागर में गिरती है? गुजरात में जाकर के ही सागर में एंटर करती है। पर यह परियोजना देखिए दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है सरदार सरोवर परियोजना, ठीक है दोस्तों। माता टीमा, माता टीमा परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर। माता टीमा परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दोस्तों। मध्य जो है बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह गंगा की एक सहायक नदी है। केन, बेतवा, काली सिंध, चंबल, ये सारे के सारी नदियां जो है किसकी सहायक नदियां हैं? ये नदियां हैं गंगा की सहायक नदियां दोस्तों। ये नदियां आपकी दक्षिण से उत्तर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। सोन भी एक ऐसी नदी है जो अमरकंटक से निकल करके बिहार राज्य में जाके गंगा से मिलती है, तो यह भी एक तरह से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है दोस्तों। भीमा परियोजना, भीमा परियोजना कहां पर स्थित है? पवना नदी, पवना नदी पर स्थित है, कहां पर? महाराष्ट्र में। पवना नदी पर स्थित है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दुलहस्ती परियोजना, देखिए दोस्तों चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है आप देख लीजिए। चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना है, और सतलज परियोजना भी चिनाब नदी पर ही है। तो सतलज परियोजना अगर आ जाए तो आप इसका जवाब सतलज नदी मत लगा दीजिएगा। सतलज परियोजना और दुलहस्ती परियोजना ये दोनों की दोनों चिनाब नदी पर स्थित है, और दोनों जम्मू कश्मीर में ये दोनों परियोजनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना कहां पर स्थित है? सोन नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य इसके सीमा क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। सोन नदी के बारे में मैंने अभी आपको बताया, यह अमरकंटक से निकलती है और यह दक्षिण से उत्तर बहते हुए जाकर के गंगा में मिल जाती है बिहार में, ठीक है दोस्तों। अगली जो परियोजना वह है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना दोस्तों झेलम नाम की एक नदी है जो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए आ करके किस में मिलती है दोस्तों? तो यह मिल जाती है चेनाब नदी में, ठीक है। झेलम और रावी नदियां दोनों चेनाब में मिलती हैं, और दोस्तों ब्यास नदी किस में मिलती है? सतलज में मिलती है, और सतलज किस में जाके मिल जाती है? फिर चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब अल्टीमेटली किस नदी में मिलती है? सिंध नदी में मिल जाती है जाकर के। तो दोस्तों झेलम नदी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, और तुलबुल परियोजना कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। रंजीत सागर परियोजना दोस्तों यह रावी नदी पर स्थित है, और कहां पर स्थित है? पंजाब में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना दोस्तों आप देखिए पेरियार नदी कहां पर बहती है?
पेरियार नदी बहती है केरल में, ठीक है। ये चीज आप एकदम याद कर लीजिए कि पेरियार नदी केरल में बहती है और इडुक्की परियोजना यह भी केरल में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है? यह पेरियार नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। उकाई परियोजना दोस्तों कहां पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। और दोस्तों किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है दोस्तों। अगली परियोजना है नागपुर परियोजना, दोस्तों यह कोराड़ी नदी पर स्थित है और महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों नागपुर नाम का शहर कहाँ पर है? नागपुर नाम का शहर महाराष्ट्र में, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नागपुर शहर महाराष्ट्र में है, इसीलिए नागपुर परियोजना कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र राज्य में होगी। किस नदी पर होगी? तो यह कोराड़ी नदी पर होगी, ठीक है। पोचमपाद परियोजना, यह गोदावरी नदी पर स्थित है और कहाँ पर है गोदावरी नदी? कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। कर्नाटक राज्य में गोदावरी नदी पर पोचमपाद परियोजना स्थित है। जायकबाड़ी परियोजना भी दोस्तों गोदावरी नदी पर ही स्थित है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों गोदावरी नदी का दूसरा नाम क्या होगा? गोदावरी नदी का दूसरा नाम है वृद्ध गंगा, ठीक है, वृद्ध गंगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जितनी भी परियोजनाएं थी जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो सारी की सारी परियोजनाएं मैंने आपको एक एक करके करा दी हैं। इससे संबंधित प्रश्न लेकर के जल्दी ही मैं लाइव सेशंस के माध्यम से उपस्थित होऊंगा आप लोगों के बीच। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।